चर्चा की थी, जिस पर बिहार में खूब सियासत भी हुई थी। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदों के साथ मंथन किया। जाहिर है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी को न सिर्फ मजबूत करना चाहते हैं बल्कि पार्टी के अंदर किसी तरह की कलह की स्थिति ना बने, ये भी साफ रखना चाहते हैं। साथ ही साथ पुराने साथियों को जोड़कर नई लड़ाई की तैयारी करना चाहते हैं, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई कंफ्यूजन ना रहे। सीएम नीतीश का मिशन 2024, जेडीयू नेताओं के साथ मंथन। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने का प्लान बना रहे हैं। इसके लिए पहले विपक्ष को एकजुट किया और अब जेडीयू को मजबूत करने में जुट गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद की बैठक बुलाई। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, खासकर क्षेत्रीय समस्याओं को तवज्जो दी गई। पूछा गया है क्षेत्र की क्या स्थिति है, उसी पर बातचीत हुई है। सर आपने क्या कुछ बताया? जो क्षेत्र की स्थिति बताया है। क्या आपके क्षेत्र की स्थिति कैसी दिख रही है? चुनाव में तो जो होती स्थिति होती है, हम लोग भी चुनाव की तैयारी में लग गए। नीतीश कुमार का एक्शन प्लान तैयार है। सीएम नीतीश कुमार पहले जेडीयू के सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से मुलाकात की, अब पूर्व एमपी, एमएलए, एमएलसी से मिले हैं। साफ है नीतीश नहीं चाहते हैं कि पार्टी में किसी तरह की नाराजगी रहे। शिवम, जी मीडिया, पटना।